बॉलीवुड की पांच जबरदस्त हैप्पी एंडिंग वाली फिल्में जिन्हें देख खुशी से झूम उठे फैन, कौन सी है आपकी पसंदीदा? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। नंबर एक, जब वी मेट। इम्तियाज अली की फिल्म जब वी मेट को दर्शकों का खूब प्यार मिला था। इस फिल्म में करीना ने ज्यादा बोलने वाली लड़की गीत का किरदार निभाया था। वहीं शहीद ने आदित्य नाम के एक ऐसे लड़के का किरदार निभाया था जो शांत रहता है। इस फिल्म में दो अजनबियों के बीच जिंदगी जीने के तरीके की बेहतरीन कहानी दिखाई गई थी। नंबर दो, बर्फी। अनुराग बसु की इस फिल्म में एक गूंगे बहरे लड़के और आर्टिस्टिक लड़की के खूबसूरत रिश्ते को दिखाया गया था। फिल्म में दिखाया गया था कि बर्फी कैसे पैसों की मजबूरी के चलते झिलमिल का फरार करता है और फिर दोनों साथ रहते रहते एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। प्रियंका चोपड़ा, इलियाना डिक्रूज और रणवीर कपूर के बेहतरीन अभिनय से सजी इस फिल्म की हैप्पी एंडिंग आपकी आंखों में खुशी के आंसू जरूर ले आएगी। नंबर तीन, सोचा न था। इम्तियाज अली की डेब्यू फिल्म सोचा न था की कहानी बिल्कुल शादी होते हुए भी बहुत खास लगती है। इस फिल्म में दिखाया गया था कि अरेंज मैरिज के लिए एक दूसरे से मिले लड़का लड़की कब एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं उन्हें पता ही नहीं चलता। इसके बाद एक दूसरे से प्यार के सवाल पूछते हुए वो खुद के एहसास को जान लेते हैं। नंबर चार, तनु वर्सेस मनु। इस फिल्म के किरदार हमें अपनी असल जिंदगी में देखने को मिल जाते हैं। बड़बोली और बिंदास तनु की मुलाकात जब सीधे साधे मनु से होती है तो कहानी मजेदार होने लगती है। तनु को पहले नजर में ही प्यार कर लेने वाला मनु उसकी खुशी के लिए उसके बॉयफ्रेंड राजा से उसकी शादी करवाने को भी तैयार हो जाता है। नंबर पाँच, वेकअप सीड। बड़े बाप की बिगड़ी औलाद सीड जब गुस्से में घर छोड़ देता है तो उसके कदम सीधे रुकते हैं आयशा के घर पर। यहाँ सीड न सिर्फ अपने अंदर की प्रतिभा को पहचानता है बल्कि उसे प्यार का एहसास भी हो जाता है। सीड के रोल में रणवीर का दमदार अभिनय फैंस को काफी पसंद आया था। वही आयशा के किरदार में कोंकड़ा ने भी फैंस का दिल जीत लिया था। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।